नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और वक्त है हमारे खास बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे नीट को लेकर एनटीए ने किस तरीके से पलटी मारी है। तथ्यों को झुठलाकर शीशे की तरह साफ दिख रहे सच को नजरअंदाज किया गया। एनटीए अपने दामन पर लगे दर्जनों दाग को जितने पुरजोर तरीके से झुठलाते रहा, झूठ का कीचड़ उतने ही गहरे तरीके से उस पर चस्पा होता गया। पेपर लीक से लेकर टॉपर्स लिस्ट की गड़बड़ियों को झुठलाते झुठलाते आखिरकार एनटीए अब यूटर्न ले चुका है। एनडीटीवी लगातार स्टूडेंट्स के हक की आवाज उठाता रहा है। हमें इस बात का अब संतोष है कि एनटीए ने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की। ग्रेस मार्क्स का जो हैरान करने वाला फॉर्मूला अपनाया था उसको हटा दिया गया। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले भी थे वो अब दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं, उनको ये ऑप्शन दिया गया है। आज इसी पर हम बात करेंगे। आप भी हमें कॉल कीजिए, हमारा फोन नंबर 8178999182। आप हमसे अपनी राय साझा कर सकते हैं। हमारी सहयोगी अमृतांशी ने नीट की कोचिंग दे रहे कुछ स्टूडेंट से भी बातचीत की। क्या कहा उन स्टूडेंट से, इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से इसे देखते हैं, आइए देखते हैं। पूरे देश भर में सबसे बड़ी परीक्षा नीट की परीक्षाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल खड़े हो रहे हैं एनटीए पर भी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसको लेकर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कुछ खुश भी हैं, कुछ निराश भी हैं। स्टूडेंट्स की इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। दोबारा से नीट की परीक्षा उन 1500 स्टूडेंट्स के लिए आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर वो स्टूडेंट्स परीक्षा नहीं देते हैं तो पुराने स्कोर कार्ड पर ही रिजल्ट जारी होगा। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने साल भर मेहनत की और अब का इसको लेकर क्या कॉल है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर नीट मेंटोर, एक कोचिंग क्लास है भोपाल की, यहाँ पर तमाम उसके स्टूडेंट्स मौजूद हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का जो है इस फैसले को मानते हैं। सबसे पहले आपसे जानूंगी, आप लोग क्योंकि साल भर तैयारी करते हैं, लाखों की फीस मम्मी पापा स्कूल में भी दे रहे होते हैं, कोचिंग में भी दे रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद ये चीजें होती हैं, एग्जाम्स पर से क्या भरोसा उठ जाता है और कितना दुख होता है जब इस तरीके की चीजें होती हैं? सर, हम लोग इतना ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, अगर हम हार्डवर्क करते तो हमारा रिजल्ट नहीं मिलता तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमारे मार्क्स भी आ रहे थे, हमें कॉलेज भी मिल जाता अगर ये करप्शन नहीं होता। और ये ग्रेस मार्क्स का तो हमें कुछ पता भी नहीं था, अगर हमें पता होता तो हम भी कोर्ट में जाके केस कर देते, पर हम इतनी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हर कोई, तो उसे 1500 बच्चों का रीनीट क्यों? हम लोगों का भी टाइम वेस्ट होता था, हम भी जाके केस करते इस चीज़ पे। हमें टोटली कन्फ्यूजन है कि अगली साल हम एग्जाम देंगे तो कहीं ना कहीं वापस से करप्शन ना हो जाए। अगर रीनीट होता पता चले इसमें भी करप्शन हो जाए, जो रैंक्स आ रही हैं उसके बेसिस पे जो कॉलेज मिलता है, हमें कॉलेज भी नहीं मिलने वाला कोई अच्छा कॉलेज जो हम डिजर्व करते हैं। और जिन जैसे ओएमआर से मार्क्स कुछ और आ रहे हैं, रिजल्ट में कुछ मार्क्स और आ रहे हैं, तो उस चीज़ का क्या? ठीक है, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जो है आप लोगों की जो परीक्षाएं होती है वो एक काफी लेंदी प्रोसेस है। इसके साथ ही आप लोग मुझे लग रहा है 3-4 साल से तो तैयारी कर ही रहे होंगे आराम से, उससे पहले से आप लोग माइंड बनाकर बैठते हैं। उसके बाद एनटीए जो है वो गलत ठहरा रहा है दूसरों को ही, खुद वो गलत नहीं मान रहा है, किस तरह से देखती हैं? ग्रेस मार्क्स कितनी दूसरे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, जो कि अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया देने से? ग्रेस मार्क्स तो सबके लिए है, क्योंकि नीट की परीक्षा एक लोगों ने, मतलब जितनों को नया मिला है उतना तो दी नहीं, पूरे लोगों ने दी है, सबको देना चाहिए, क्योंकि इतने साल एक साल से पूरा मेहनत कर रहे हैं। जो बच्चे गरीब घर के थे वो भी मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे अमीर थे वो भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जो बच्चे गरीब घर के थे क्या उनको वो फिर से दोबारा कोचिंग कर पाएंगे? इतना पैसा तो सबके पास होता नहीं कि दोबारा फिर से कोचिंग कर पाए, तो उनके घर वाले क्या दोबारा कोचिंग करने के लिए सोचेंगे? उनको तो जो गरीब घर के बच्चे होंगे उनको सोचना पड़ेगा, शायद वो इस बार उनको मौका ना भी मिले, तो इसलिए हम लोग को जस्टिस चाहिए। री एग्जाम कितना बेहतर ऑप्शन है, क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं इस फैसले से? मैम, सिर्फ उन्हीं बच्चे के लिए जिनको ग्रेस मार्क्स मिल रहे थे उनके लिए सिर्फ री एग्ज़ाम ठीक नहीं है, सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका ही थोड़ा बहुत टाइम लॉस होता है। हम लोगों का भी हुआ था, बस हम लोगों ने केस दर्ज नहीं किया इसलिए हम लोगों को री एग्ज़ाम नहीं मिल रहा, ये गलत है। अच्छा, मतलब यानी कि जो 1500 स्टूडेंट्स हैं उनके जो री एग्ज़ाम्स अब होंगे, तो आप लोग को ऐसा लगता है कि आपके साथ एक नाइंसाफ़ी है? हाँ मैम, हमारे साथ तो ये गलती है फिर, क्योंकि वो बच्चे दे रहे तो हम क्यों नहीं दे, फिर हमारा भी तो रिजल्ट गलत हुआ है ना। अब सिर्फ जो बच्चों ने केस कराए उन्हीं के, मतलब उन्हीं की सुनी जा रही है, ये गलत है, हमारे साथ गलत है। हमें भी जस्टिस चाहिए कि या तो री नीट हो तो सब बच्चों का हो, या फिर उनका से अकेले वो सही नहीं है। एनटीए जैसी एजेंसी इस पर से क्या भरोसा उठता जा रहा है? यस मैम। क्यों? क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए अब उनका मतलब पेपर का लेवल भी इतना उन लोगों ने लो कर दिया है कि जैसे बहुत
मतलब 720 पे इस साल भी कितने बच्चे थे, अभी ग्रेस मार्किंग हटाए गए फिर भी रह गई, और पहले एग्जाम्स होते थे उनमें 650 क्रॉस करना बहुत बड़ी बात होती थी। अब जैसे रैंकिंग इतनी गिरने के कारण कॉलेज मतलब अगले साल कोई यही नहीं रहेगा कंफर्म कि कॉलेज मिलेगा, अभी अगर 600 मार्क्स भी आएंगे तब भी कॉलेज मिलेगा ऐसा भी कुछ कंफर्म नहीं रहेगा, तो इसीलिए थोड़ा मतलब एनटीए पे। ठीक, मेंटली क्या प्रेशराइज्ड फील करते हैं स्टूडेंट्स? मेंटली ऐसे घर वाले बोलते हैं नीट निकालो, मतलब उनका जो बोलते हैं नीट निकालो, और हम लोग का भी हर मेंटली प्रेशर होता है नीट निकाल लाइए, क्योंकि माँ बाप कैसे पैसे कमा रहे हैं वो हमें पता है, मतलब पिताजी पता है या फिर हमें पता, उस टाइप से पैसे भेज रहे हैं वो हमारे पता, हमें पता है पिताजी कैसे पैसे भेज रहे हैं। मेरे पिता ये ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, इसलिए मैं ये चाहूँगा ये रीनीट दोबारा हो जाए पूरा या फिर रिपब्लिश हो जाए रिजल्ट, क्योंकि रैंक मेरी भी बहुत हाई पहुँच रही है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि रीनीट दोबारा सभी बच्चों का हो जाए। ठीक है, अब जो यहाँ के जो सर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, ये जो फैसला आया है कितना ये बेहतर है स्टूडेंट्स के लिए, है या नहीं है, आप ही बताइए। देखिए, ये जो फैसला आया है कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जस्टिसफुल तो है, जस्टिस तो, बट ये कंप्लीट जस्टिस नहीं है। आप इसमें एक बात बताइए, इसमें सिर्फ रीनीट का एग्जाम देने का मौका उन बच्चों को मिल रहा है जिन बच्चों ने कोर्ट में केस किया था। अब उन बच्चों की क्या गलती, जिनके पास लीगल एडवाइजर नहीं है, जिनको ये सब चीज़ें बताने वाला कोई नहीं है कि आप भी है ना कोर्ट में केस कर दीजिए, तो इसलिए कई सारे बच्चे ऐसे और भी हैं जिनके है ना नीट के एग्जाम में टाइम लॉस्ट हुआ है, तो उनको भी रीनीट का एग्जाम मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे उन 1563 बच्चों की कैमरे से चेकिंग करवाई है कि टाइम वेस्ट हुआ है, ऐसे देश में और भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनके नाम मैं भी बता सकता हूं और उनको भी बताऊंगे, उनको भी है ना चेक करना चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो खामी थी कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके ओरिजिनल मार्क्स और ओएमआर सीट के मार्क्स में डिफरेंस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं और भी कुछ प्रॉब्लम है जिससे सभी बच्चों को बराबर मार्क्स नहीं मिले हैं, नहीं तो सिर्फ 1563 बच्चों से लाखों की रैंकें डबल ट्रिपल नहीं हो जाती हैं, तो ये कंप्लीट जस्टिस नहीं है। और इस कंप्लीट जस्टिस और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सरवन सिंह हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं भोपाल एम्स से। महेश चंद्रा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स दिल्ली। ईला गुप्ता साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं, और रोहित विश्वकर्मा फॉर्मर डायरेक्टर डीएस क्लासेस नीट कोचिंग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप इससे जुड़ा कोई सवाल आपके जहन में है, कोई राय आप साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल करें 8178992 हमारा फोन नंबर है, आपकी कॉल का भी इंतजार रहेगा। सरमन जी, पहला मेरा सवाल आपसे है, आप जिस तरीके से एनटीए ने पलटी मारी है, पहले वो कहा मान नहीं रहा था अपनी गलती की है, कोई गलती हुई है, लेकिन अब एनटीए जिस तरीके से पलटा है, इसको लेकर जो कोर्ट का जो फैसला आया, क्या कहेंगे आप? जी ज्योति जी, थैंक यू वेरी मच। आपको जो इंट्रोडक्शन में जैसा आपने कहा जी, और बच्चे भी जिस तरह से बात कर रहे थे, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो इस तरह की एजेंसी हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी, जो कि एक सारे इंडिया में जिनकी जिम्मेदारी थी, तो उन पर इस तरह से विश्वास ना होना। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि पिछला जो केस हुआ था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच थी, मैं कोर्ट की बेंच का डिसीजन पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट वो भी बच्चों के साथ न्याय नहीं हुआ था, बिकॉज जुलाई तक के लिए टाल दिया गया था वो। और जो आज जो डिसीजन आया है उसमें मैं कहूंगा काफी हद तक बच्चों को कुछ रिप्राइव मिली है, कुछ उसमें कुछ बच्चों को फायदा होगा, लेकिन जैसा कि कुछ बच्चे भी कह रहे थे, उनके कोचिंग के जो लोग कह रहे हैं कि सारे बच्चों को न्याय नहीं मिला, और मैं तो कहूंगा कि इसमें जो बच्चों का जो अंदेशा या जो डाउट हो रहा है, इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और डेफिनेटली कुछ न कुछ तो ऐसा है जो गलत है। ग्रेस मार्क्स का जहां तक सवाल है, ग्रेस मार्क्स कभी भी हमेशा जब भी जब से ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट है तो वो क्वालिफाइंग एग्जाम में होते हैं, कभी भी जो इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम में कभी भी नहीं दिया जाता, तो ये भी बड़ी अजीब बात है। हमने अपने करियर में कभी नहीं देखा कि एंट्रेंस एग्जाम में ग्रेस मार्क्स दिए गए हों किसी कारण से। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से फुल में से फुल मार्क्स आ रहे हैं कुछ बच्चों के, और वो इनफैक्ट 12th में फेल हो गए, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसा हो जाता है, बट जो बच्चा इतना होशियार है, जो टॉपर है, यू नो 720 आउट ऑफ 720 ला रहा है, उस बच्चे का कितना भी लेवल आप, वो बिना पढ़े भी 12th का जो एग्जाम होता है तो वो फेल हो जाता है। इट मींस एक तो यह है कि हमारे एनटीए का जो सिलेबस बनाते हैं 12th के सिलेबस से या तो मिसमैच कर रहा है या फिर कुछ गड़बड़ है, बच्चों की जो एक्चुअल उसकी जो 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 मेरिट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो दो बातें साथ साथ नहीं जा सकती,
कि अगर कोई बच्चा इतना होशियार है तो वो ट्वेल्थ में फेल हो जाए, ठीक है उसका 75% डिस्टिंक्शन नहीं आएगी, वो सेकंड डिवीजन हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन भी पास हो जाएगा, लेकिन इट इज जस्ट यू नो बियॉन्ड किसी भी इमेजिनेशन के कि एक बच्चा जो टॉप कर रहा है 100 में से 100% मार्क्स ला रहा है और वो बच्चा ट्वेल्थ में फेल हो जाए, तो ये कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो सीबीआई की इंक्वायरी मुझे लगता है बहुत जरूरी है, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक कमेटी बना दी है, बट देखते हैं वो कमेटी क्या। डॉक्टर शर्मा, ये जो पूरी जांच की मांग लगातार और वो तमाम छात्र कर रहे हैं जो कि इनका जिनका कहना है कि रीटेस्ट फिर सभी का क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे साथ इला गुप्ता भी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। इला जी, स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। इला जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जब इस तरीके से छात्र सालों की मेहनत कर एग्जाम देते हैं और फिर इस तरीके की बातें, और आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है, हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धांधली, कुछ ना कुछ गड़बड़ी सामने आ रही है, और उन ऐसे एग्जाम्स में जो बहुत बड़े जिनको जिम्मेदारी बहुत सोच समझकर एक संस्था को दी जाती है, ऐसे में क्या वो प्रेशर होता है उन स्टूडेंट्स पर जो आस लगाए बैठे हैं लेकिन अचानक से ऐसा हो जाए उनके साथ, किस तरीके का मेंटली प्रेशर उन पर होगा इस वक्त में? नमस्कार आप सबको। सबसे पहले तो बात है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम है। हर बच्चा बचपन से, और एक ये माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बने, और हमारी गवर्नमेंट ने जो एंट्रेंस एग्जाम है ये केवल अमीर के लिए नहीं है, ये गरीब बच्चों के लिए भी, कि तुम पढ़ने में अच्छे हो तो तुम एंट्रेंस देके, नीट का एग्जाम देके तुम एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। यहाँ पर एक बच्चा जो 10वीं क्लास से दिन रात एक मेहनत करके, हो सकता है माँ बाप भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और वहाँ पर उसको जब वो एक परीक्षा देता है और परीक्षा के बाद इस तरह का होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा बच्चा डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस का बच्चा हो, क्योंकि उसका तो जीवन उसी पे है, उसकी पूरी पहला उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और उसमें अगर हम बोलते हैं कि आपको हमने समय नहीं दिया और आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, तो बाकी बच्चे भी, अगर हो सकता है उसने परीक्षा अच्छी ना करी हो जी, और उसको ग्रेस मार्क्स मिल गए हो, तो यहाँ पे दोनों तरह के डिसीजन है। तो मेरा तो ये है कि आपको गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए कि या तो सबके एग्जाम जो सारे बच्चे एक जैसे हैं दोबारा से ले, जिससे कि जो उनको डिप्रेशन या एंजाइटी हो रही है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो जाता है बच्चों को समझाना, और क्योंकि हम इंडियन पेरेंट हैं तो यहाँ बच्चा फिर भी समझ जाता है, माँ बाप को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक अनड्यू प्रेशर भी डालते हैं कि नीट की परीक्षा देनी है। जी। ये डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करने के लिए एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरी ये राय है कि हम सबको एक जैसा करना चाहिए, कि ये नहीं कि जिसको ग्रेस मार्क्स दिए हैं उसी की परीक्षा हो जी, तो हो सकता है और बाकी बच्चे जो दिए हैं उनका क्या। इला जी, इसको लेकर बच्चे भी, इसको लेकर वो स्टूडेंट्स भी सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाले ही क्यों। रोहित, मेरा अगला सवाल आपसे है। रोहित, सबसे पहले आपका स्वागत है, जुड़ने के लिए भी शुक्रिया आपका। मेरा सवाल ये कि जैसा कि हम दिखा भी रहे हैं अलग अलग जगहों से जो रिपोर्ट हमने दिखाई, जो बाकी के छात्र हैं उनका ये कहना है हमें तो ये जानकारी नहीं थी, नहीं तो हम भी याचिका दायर कर देते, हमें नहीं पता था कैसे क्या करना है। तो सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाले ही छात्रों का एग्जाम नहीं होना चाहिए, सभी का होना चाहिए, ये मांग वो तमाम छात्र अब उठा रहे हैं जो कि अब अपने रिजल्ट को लेकर थोड़े से संशयित हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि जो आज एनटीए ने माना कि 1563 बच्चे जो हैं उनका री एग्ज़ाम करा जाएगा 23 जून को, और 30 जून को उनका रिजल्ट आएगा, तो ये एक उनकी तरफ से वेलकम मूव है मैं कहूँगा। बाकी रही बात कि बाकी बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि उनका भी रीनीट होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए क्या होता है कि जब बच्चा तैयारी करता है तो वह एक फ्लो में रहता है, वो पूरे 2 साल से पूरी तैयारी कर रहा है, उसका रिजल्ट आ चुका है, जिसके 700, जिसने ईमानदारी से पढ़ाई करी है, उसने जिसने 700 नंबर लेके आए, बच्चे अपने कमरे से नहीं निकले। जैसे मेरी पेरेंट्स से बात होती है तो उन्होंने मुझे बताया कि 2-2 साल तक बच्चों ने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा, 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाई करी, अब रिजल्ट आया। भले ही गलती एनटीए की है, लेकिन बाकी सारे बच्चे जो पढ़ने वाले, जिन्होंने 2 साल तक इतनी कड़ी मेहनत करी, अब यदि हम उनको बोलेंगे कि 23 तारीख को यदि दोबारा पेपर करना है या फिर
दोबारा सभी का नीट हो, तो मेरे विचार में एक्चुअली में ये थोड़ा सा उनके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने कड़ी मेहनत करके ईमानदारी से पेपर दिया है, लेकिन जिन बच्चों का जो वो भी बच्चे ही हैं जिन बच्चों को लेट पेपर मिला था, तो ये जो गलतियां होती हैं, मैं मेरे हिसाब से तो जिनको लेट पेपर मिला था टाइम की कमी हो गई थी उनके पास, उनको एक्स्ट्रा समय उसी वक्त देना चाहिए था, ये एनटीए को देखना चाहिए था कि एक पूरे इंस्ट्रक्शन दें उनको, एक एनटीए को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए कि जो वो इतना बड़ा पेपर करवा रहे हैं, इतने सारे सेंटर्स हैं उसमें डेफिनेटली कई सारे सेंटर नए होते हैं, तो उनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम कि ट्रेनिंग वो देते हैं कि नहीं देते, किस लेवल की ट्रेनिंग देते हैं, तो एक कड़ी ट्रेनिंग होनी चाहिए, बताना चाहिए उन लोगों को कि ये पेपर देना है ये नहीं देना है, तो ऐसी गलती एनटीए से दोबारा ना हो उसको ये ख्याल डेफिनेटली रखना चाहिए। बाकी जो बच्चों की मांग है या जो 1563 बच्चों का उन्होंने री नीट करवाया है उसमें से ये बोला है कि जो देना चाहते हैं वो दें, नहीं तो उनका जो बिना ग्रेस मार्क्स के रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा, इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बच्चों की रैंक में फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो टॉप टॉप की रैंक्स हैं उसमें डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, जो 67 स्टूडेंट्स पूरे पूरे नंबर लाए थे वो मेरे हिसाब से काफ़ी कम हो जाएंगे, ऐसा ज़रूर होगा। बाकी इतने सारे जो 24 लाख बच्चों ने नीट का पेपर दिया था पूरी कड़ी मेहनत के साथ, तो उसमें जो मेरा विचार जैसे मैंने पहले भी व्यक्त किया कि वो बच्चों का क्या कहना है, ज़्यादातर बच्चे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मेरे विचार में तो ये है कि एक एक दोबारा जांच भी बिल्कुल रोहित, तो सवाल नहीं यही खड़ा हो रहा है और बच्चे भी यही सवाल खड़ा कर रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि 24 लाख से ज्यादा छात्र इसमें शामिल हुए, कि हो सकता है कि उनके रिजल्ट में भी कोई गड़बड़ी हो, अब सभी जो छात्र हैं वो इस बात को लेकर थोड़े से शंका में हैं। महेश चंद्र मिश्रा हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स दिल्ली। महेश जी, मेरा सवाल आपसे है, आपका हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि एनटीए जिस पर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसको दी गई, क्या आप मानते हैं कि लापरवाही हुई, कुछ और तरीके से ख्याल रखा जाना चाहिए था, सोच समझ के ऐसे लोगों की टीम होनी चाहिए थी कि हालांकि जो पहले हुए हैं तमाम एग्जाम एनडीए ने कंडक्ट किए हैं वो बहुत सफलतापूर्वक हुए, लेकिन इन एग्जाम को लेकर आप कहीं ना कहीं ये होता है जहन में कि फिर से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल ज्योति, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, और जो भी छात्र की भी जो मांग कर रहे हैं वो कोई मैं समान अनुचित मांग नहीं है उनकी, और मैं तो सरकार से भी यही अनुरोध करूंगा, स्वास्थ्य मंत्रालय से भी यही अनुरोध करूंगा कि जो सबसे सेफ वे है अभी इस सारे संदेहास्पद स्थिति से निकलने के लिए, उसमें एक तो इंक्वायरी करें, चाहे सीबीआई की करें चाहे जैसे भी करें, कि जो पेपर लीक और एक सेंटर पे इतने लोग के इतने मार्क्स कैसे आ गए, क्या है, एक तो अलग से वो चलता रहे जी। लेकिन री नीट ही एक ऐसा विकल्प है जो सबको एक कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ भाई दोबारा कर रहे हैं, और यही मांग भी है छात्रों की, और उससे एनटीए भी अपने को ये सारी ग्रेस मार्क्स की कंट्रोवर्सी और ये जो भी उन्होंने किया है, ग्रेस मार्क्स तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होना ही नहीं चाहिए, इसकी ये पता नहीं किसके दिमाग की उपज है कि ग्रेस मार्क्स, ऐसा कभी ना सुनने में आया है ना आना चाहिए, और दिस इज द लीस्ट, हम लोगों को ये न्यूनतम एक मापदंड होना चाहिए कि इस तरह की कंट्रोवर्सी जब इतना स्टेक है छात्रों का छात्राओं का, 24 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं, तो उसमें आयोटा ऑफ डाउट भी नहीं होना चाहिए किसी भी स्तर पे, उसके लिए कैसे एनटीए करे और कैसे न करे वो आगे देखें, लेकिन अभी तो मैं समझता हूँ एक डेढ़ महीने में ये दोबारा नीट कराए, जो उच्चतम न्यायालय का भी जो ये निर्णय है परमिशन देना कि 23 को आप करा लीजिए, 30 को रिजल्ट कर दीजिए, 1563, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल इस तरह का निर्णय नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अब इसमें यही बात उठ रही है कि बहुत बाकी बच्चे क्या करें, जो लोग जो अफोर्ड कर सकते थे वो चले गए, वकीलों को वो करके सुप्रीम कोर्ट में जाना कोई आसान है, इतना पैसा लगता है सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के लिए, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, सभी के लिए बराबर होना चाहिए, और जुलाई के मध्य तक या जुलाई के अंतिम सप्ताह तक करें, एक महीने एडमिशन अगर डिले होंगे तो उसमें आसमान नहीं गिरने वाला है, पहले भी एडमिशन लेट होते रहे हैं और उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, और एक महीना जो शुरू में इंडक्शन का टाइम होता है एक महीना, उसमें से कंपेंसेट कर सकते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि ये सरकार के लिए भी
एनटीए के लिए भी सबसे बेहतर फेस सेविंग होगी कि वो उनको ये कंट्रोवर्सी शुरू होते ही इट शुड हैव बीन निप्ड इन बड। इतना सब पूरे भारत में और फिर पॉलिटिसाइजेशन हमारे यहाँ तुरंत हो जाता है, हर चीज का पोस्टर आ गए, ये आ गए, तो सम पीपल माइट बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट ऑल्सो। सो आई थिंक इसको तो गवर्नमेंट को तुरंत इस पे री नीट का अनाउंस करना चाहिए और फिर देखें कि जो इसमें कमियां आई थी, एफआईआर लॉन्च हुई है, उसमें कहां कैसे कुल मिलाकर के माध्यम से नीट, जैसा कि जो तमाम जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं इनसे जुड़े हुए, उनका और ज्यादातर छात्रों का भी यही कहना है। इला जी, मेरा सवाल आपसे ये है, अब ऐसे में छात्र की जो मनोदशा है, किस तरीके का प्रेशर वो इन दिनों झेल रहे होंगे जो ये सब कुछ हो रहा है? को बहुत प्रेशर होगा, जैसे अभी सर ने बताया कि वो 12-12 घंटे कमरे से नहीं निकले, 2 साल तक कमरे से नहीं निकले, तो आप उनकी मानसिक स्थिति समझ सकती हैं। तो हो सकता है इस टाइम उनको एंजाइटी हो। एंजाइटी का मतलब होता है कोई भी बात हो रही है नीट के बारे में तो दिल की धड़कनों का तेज होना, ट्रेमर होना, ट्रेमर का मतलब होता है हाथ कांपना, कई बार जबान लड़खड़ाना, बैठे बैठे आंखों से आंसू आ जाना, क्योंकि वो उसको नहीं पता ये क्यों हो रहा है, बट ये बच्चों को ये लक्षण हो सकते हैं। भूख बहुत ज्यादा लगना या भूख बिल्कुल भी नहीं लगना, पेट खराब हो जाना, या तो कब्ज रहना या डायरिया हो जाना। तो ये अगर सिम्टम्स, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं सबको कहना चाहूंगी हर बच्चे को कि नीट परीक्षा है, एक पाठ है, अगर इस साल गवर्नमेंट कुछ नहीं करती तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल कुछ होगा। इला जी, आपके पास कुछ ऐसे बच्चे आए उन्हें जिन्हें कुछ हेल्प की जरूरत हुई हो इस तरीके की? बिल्कुल, कल 3 बच्चे आए थे मेरे पास, तो उनमें सारे ये सिम्टम्स थे और उनको समझ नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है। उन्होंने आके सिर्फ मुझे सिम्टम्स बताए उनके पेरेंट्स ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने नीट की परीक्षा दी थी। तो जब मैंने बाद में हम लोग पूरा हिस्ट्री लेते हैं तब मुझे पता चला ये तीनों बच्चे अलग अलग जगह से आए थे, तो उन्होंने नीट अपेयर करा था। तो मैंने, मेरा ये कहना है कि एग्जाम कैरियर है, बट अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो हम क्या ही किसी से कुछ कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे बच्चों के लिए है कि अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ध्यान दें। अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत, जब आप स्ट्रेस में हैं तो तुरंत आप ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लें। लिक्विड लेने से क्या होता है, बॉडी डिटॉक्स होती है। तो जो परेशानी है, देखिए परेशानी तो है ही, तो वो अब हमारे हाथ में नहीं है, ये तो सरकार कर सकती है या एनटीए ही कुछ चेंजेस करेगा। जो भी हम सजेशन रख रहे हैं यहाँ पर सर लोग, जो भी सजेशन रख रहे हैं कि एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट मेरी हेल्थ मेरे हाथ में है। मैं तो अगला एग्जाम जब दे पाऊंगा ना, जब मेरी हेल्थ ठीक होगी, तो उसके लिए सबसे पहले गर्मी का टाइम भी है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई मस्ट से दैट कि उनको लिक्विड डाइट ज्यादा लेनी चाहिए इस टाइम, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और नींद आती है, क्योंकि टेंशन में हमारे को सबसे फर्क होता है नींद का। तो अगर नींद नहीं आती है तो नेक्स्ट डे जो साइकिल होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, और वो डिस्टर्बेंस सैडनेस में लाती है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी सैड है, उदास है, हमारा रिजल्ट इतना बड़ा जी, जी, हाँ। तो उदासी को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले अपना डाइट ध्यान रखना है, जैसा कि आप बता रही हैं। जी जी इला जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बातचीत की, आपने तमाम जानकारी हमें दी, सरमन जी आपका भी और महेश चंद्रा जी आपका और साथ ही रोहित विश्वकर्मा, तमाम बातचीत के लिए आप सभी का शुक्रिया। और हमारे सहयोगी संतोष साहू ने बालोद में नीट की तैयारी कर रहे कुछ स्टूडेंट से भी बातचीत की, क्या कहा उन्होंने आगे देखते हैं। देश के सबसे बड़े परीक्षा एजेंसी कहा जाता है एनटीए, 5 मई को नीट की परीक्षा आयोजित की गई और पूरे देश भर में लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए। वहीं बात की जाए बालोद जिले में, तो बालोद जिले में भी पहली बार यह परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन पहली बार में भी इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आई, आधे घंटे के अंदर 2 अलग अलग प्रश्न पत्र बदले गए, लेकिन जो प्रश्न पत्र बदले गए उसे अतिरिक्त समय नहीं दिया गया और कहीं ना कहीं पूरे छात्रों का जो भविष्य पूरा खराब हुआ। और मामले को लेकर के जो एक गंभीर मसला था, गंभीर मामला था, सबसे पहले एनडीटीवी ने पूरे मामले को उठाया, देश भर में इस मामले को छात्रों के हित में पूरी खबरें चलाई और पूरे मामले को लगातार छात्रों की आवाज बन करके सामने आई थी एनडीटीवी। और पूरे मामले में जब लगातार छात्रों से भी बात की गई यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई थी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भले
आज सुप्रीम कोर्ट के जो फटकार के बाद आज जो एनटीए ने दोबारा फिर से अपना फैसला बदला है और फिर से परीक्षा करवाने की बात सामने आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे अब भी खड़ा हुआ है, एनटीए ने जिस तरह से पूरे परीक्षा प्रणाली को गलत तरीके से जो अंजाम दिया है, जिसमें जो परीक्षा के जो चाहे रजिस्ट्रेशन विंडो की बात की जाए, जो लगातार रजिस्ट्रेशन विंडो को खोला गया है, बंद किया गया है, उसके बाद जो जहां पे जो पेपर लीक का मामला आया था उस मामले को नजरअंदाज किया, तो कहीं ना कहीं जो छात्रों को एक आहत पहुंची है उसको लेकर के छात्र अभी भी सदमे में है। कई छात्र इस स्थिति में पहुंच चुके जब आज एनटीए फिर से परीक्षा की तैयारी कर रही है, कई छात्र तो ये बोलते हैं कि अब हम दोबारा एनटीए परीक्षा नहीं दिलाएंगे। ऐसे ही कुछ छात्र और पालक हमारे पास यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे। आज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है और जो इस फैसले के बाद इनकी प्रतिक्रिया क्या है? हम चाहते हैं कि नीट फेयर कंडक्ट होना चाहिए, और क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्जाम है और वो भी डॉक्टर जैसा प्रोफेशन है, तो हम लोग को मतलब थोड़ा फेयर कंडक्ट करे। और इतना सारा जब होता है, इतना सारी जांच होती है पेपर में जाने से पहले भी, तो उस हिसाब से तो हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छे से कंडक्ट करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ बहुत जगह, तो इस चीज को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद अब फिर से पेपर होने जा रही है, कैसा लग रहा है आप लोग को अभी? क्योंकि जैसा पहले हम लोग जिस डेट मिला था 5 मई को मिला था, उस हिसाब से हम लोग जो तैयारी कर रहे थे, पूरी साल भर की तैयारी थी हमारी, वो प्रेशर जो था वो उस समय के लिए ही था। अब फिर से जब हमें देना है, तो जो मेंटल बोल सकते हैं कि तैयारी थी मेंटली हमारी, वो अब वैसी फिर से नहीं रहेगी। क्योंकि उसी दिन अगर होता पेपर, तो वो हम लोग पूरी तरीके से तैयार जो थे पहले से कि हाँ इस डेट में ही देना है हमें वो पेपर, तो वो उस तरीके से हम फिर से नहीं हो पाएंगे। क्योंकि पूरे साल भर की मेहनत रहती है, और हमेशा जब भी कोई बच्चा ड्रॉप लेता है तो वो। और हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ले रहे हैं एक ब्रेक।